से कम 40 फर्जी मुकदमे लिख चुके हैं, चाहे कयूम खान निगोही हो, असी खान लोरगमा हो, चाहे हमारे निगोही किरण किशोर गुप्ता हो, चाहे मीरा देवी हो, और सबकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा, कोटेदारों ने जिसने पैसा नहीं दिया, दलितों पे अत्याचार, ग्राम चक सपौरा के दलित कोटेदार बेचेलाल पे मीटिंग में जबरदस्ती 3/7 का मुकदमा कायम करा देना, जबकि वहां 100% वितरण होता है, लोहरगमा की दुकान सस्पेंड करा देना, शशिवाला निगोही की दुकान निरस्त करा देना, विनय अवस्थी की दुकान निरस्त करा देना, जो विनय मिश्रा जो कोटेदार हिस्सा नहीं दे रहा उसकी दुकान निलंबित, एसएफसी गोदाम से प्रति कोटेदार 5 क्विंटल कटौती धड़ल्ले से हो रही है, उसका मेरे पास वीडियो है। और आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि रोशन लाल वर्मा के सपा से आने से जो सपा के नेता थे उन लोगों ने सपा को छोड़ दिया और कितने अत्याचार करे। इस बार तिलहर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा की खतरे की घंटी बज सकती है, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। जिस समय भाजपा में थे उस समय पुलिस को उंगली पर नचाते थे और उसके बाद क्षेत्र की जनता को सताते थे, और उसके बाद आपको बता दें जो उनके नेता थे उनका उनके ऊपर भी सर चढ़कर बोलते थे, और इसके साथ साथ तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा ने किसी को भी नहीं बख्शा, यहां तक के पत्रकार पर भी लिखा दिए फर्जी मुकदमे। ये खबर हम दिखाएंगे बात को, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं तिलहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी की कार्यशैली जब भाजपा में थे तो किस तरीके से अपने ही नेताओं पर किस तरीके से सवार होते थे, जरा देखिए। बवाल करके अच्छा हमारे क्षेत्र में जो जितने समाजवादी पार्टी गुंडा बदमाश सबकी मदद करता कहा है, जो जितने समाजवादी पार्टी गुंडा बदमाश सबकी मदद कर, जो जितने समाजवादी पार्टी गुंडा बदमाश सबकी मदद कर, जो जितने समाजवादी पार्टी गुंडा बदमाश सबकी मदद कर, जो जितने समाजवादी पार्टी गुंडा बदमाश सबकी मदद कर। बवाल करके अच्छा हमारे क्षेत्र में जो जितने समाजवादी पार्टी गुंडा बदमाश सबकी मदद करता और कैमरों की मौजूदगी में बेचारे मंत्री जी देखिए मुंह पर रुमाल लगा रहे हैं, गोछा लगा रहे हैं कैमरे की निगरानी में, लेकिन क्या करें बेचारे। और आगे भी देखिए नदारा, बहुत कुछ है चौंकाने वाला। अलग करते हो, आप किसकी मदद करते हो? आप किसकी मदद करते हो? अरे हम सपा वालों हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, हम वाजपेयी हैं। हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, हम वाजपेयी हैं। हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, हम वाजपेयी हैं। हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र इसका नहीं देना पड़ेगा। गुंडा बदमाश जमीन पट्टा करा कौन करता है? और बाखूबी आपने देखा पुलिस के प्रति कैसा रवैया, अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति कैसा रवैया, अब कौन बचा? जनता। अब देखिए जनता के प्रति जनता क्या कह रही है, जरा ये भी सुनिए। दौरान मुख्यमंत्री योगी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि जब से बीजेपी से रोशन लाल वर्मा विधायक बने हैं तब से जमीन कब्जा कर रहे हैं, यही नहीं जमीन न बेचने पर उन पर झूठे मुकदमे कराए जा रहे हैं, कोटेदारों से अवैध वसूली न मिलने पर कोटा निरस्त कराया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों की मांग सीएम योगी से है कि ऐसे विधायक को हटाकर उन पर कार्रवाई की जाए। कि कम से कम 40 फर्जी मुकदमे लिख चुके हैं, चाहे कयूम खान निगोही हो, असी खान लोरगमा हो, चाहे हमारे निगोही किरण किशोर गुप्ता हो, चाहे मीरा देवी हो, और सबकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा, कोटेदारों ने जिसने पैसा नहीं दिया, दलितों पे अत्याचार, ग्राम चक सपौरा के दलित कोटेदार बेचेलाल पे मीटिंग में जबरदस्ती 3/7 का मुकदमा कायम करा देना, जबकि वहां 100% वितरण होता है, लोहरगमा की दुकान सस्पेंड करा देना, शशिवाला निगोही की दुकान निरस्त करा देना, विनय अवस्थी की दुकान निरस्त करा देना, जो विनय मिश्रा जो कोटेदार हिस्सा नहीं दे रहा उसकी दुकान निलंबित, एसएफसी गोदाम से प्रति कोटेदार 5 क्विंटल कटौती धड़ल्ले से हो रही है, उसका मेरे पास वीडियो है। हमारे ससुर की पकड़ करके अपने लड़के के नाम बैनामा करा लिया और बेसाइड से ही रोड पीछे का बैनामा कराया और रोड पर ही जमीन उठा रहा है और अपने बिरादरों को कब्जा करा रहा है, गुलाब हैं उनके रिश्तेदार हैं, और आए दिन धमकी दे रहा है यहाँ से भाग जाओ मेरी सरकार है, मैं थाने गए, उसने पेड़ काटे गुलाब ने और डंडा लेके हम पे लाठी डंडा लेके आए, तो हमने कहा एसओ से, तो एसओ ने कही तुम महिला हो तुम भाग जाओ यहाँ से, अभी गुंडा उनको सहारा लेके जीती रही अब नहीं जी पाओगी, भाग जाओ यहाँ से।
और अब कौन बचा? अब बचा सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी से कैसा व्यवहार, जरा एक निगाह इस पर भी डालिए। उन्हीं का फोन है कह रहा अनुभाग, बाबू बात करा रहा अनुभाग, कितना झूठ बोल रहा। अरे सब, अरे अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी क्या होता है ये बता हमें। उपनिदेशक कह रहे अच्छा, हमसे अभी उपनिदेशक साहब के यहाँ देख ले कितने फर्जी बात कर रहा। और एक विधायक किसी को ना भाए, आपको बता दे पुलिस के प्रति भी हमने आपको दिखाया, नेताओं के प्रति भी दिखाया, जनता के प्रति भी दिखाया, और उसके बाद सरकारी कर्मचारी के प्रति भी दिखाया, लेकिन अब हम विधायक का व्यवहार परिवार के प्रति दिखा रहे हैं। बहू ने खोला विधायक ससुर के खिलाफ मोर्चा, पहले भी खुल चुका है, लेकिन सबसे पहले का नजारा हम आपको दिखाते हैं कि पहले का विवाद क्या था। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा पर पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। 7 साल पुराने मामले में रेप और अपहरण आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ आईजी बरेली के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने साथ मौके में शादी कर ली है। 8 साल से मैं अपने ससुर के साथ रह रही हूँ, बेटी बन के मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़की। आरोप सरासर असत्य है, झूठ है, मुझे राजनीतिक षड्यंत्र तहत फंसाया जा रहा है और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। अगर आरोप होते, आरोप इन्होंने आरोप लगाए, सीबीसीआईडी ने जांच की, सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, इन्होंने कहा हमारी दोबारा जांच कर ली जाए, दोबारा जांच हो रही है, अगर जांच में हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें जेल भेज दें। और अब जरा देखिए सरिता जो कि रोशन लाल वर्मा की पुत्र वधु है, जो तिलहर विधानसभा से अपने ससुर को हराने के लिए खड़ी हुई और खुद जीतने के लिए, लेकिन उस पर भी कितने अत्याचार ससुर ने करे थे, जरा एक बार ये भी सुनिए और फिर उसके बाद आगे बहुत कुछ है अभी, इसलिए बिछाई दरी और क्या लगाए आरोप, एक बार फिर सुनिए। बीजेपी विधायक रोशन लाल जो है उनके कुछ मामले जो है में चल रहे हैं, वो डरा धमका के जो है वापस लेना चाहते हैं, वो वापस नहीं लिए, उसी वजह से हम धरने पे बैठे हुए हैं। किसको धमकाते हैं? हमारे भाई को धमकाया है कि मुकदमा लिखा देंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखवा दिया है, और जो है कि हमारी जो खेती थी वो भी उनने कब्जे पर रखी है, और ऊपर से डरा धमका गंदी गंदी गालियाँ दिलवाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनसे मतलब परेशान करवाते हैं, गालियाँ दिलवाते हैं। और अब हम आपको बता दें तिलहर विधानसभा क्षेत्र से रोशन लाल वर्मा ने पाला बदलकर सपा का दामन थामा और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके विरोध में उनकी पुत्र वधु सरिता ने भी नामांकन कराया और प्रत्याशी बनी और लड़ रही है विधानसभा तिलहर क्षेत्र से चुनाव। उनका ये कहना है मेरे ससुर ने जितने हम पे अत्याचार करे वो अपने आप में एक मिसाल है। हालांकि क्षेत्र की जनता का भी ये कहना है कि रोशन लाल वर्मा का इतना जबरदस्त क्षेत्र में आतंक है, मुंह पे तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन आपको बता दे अंदर खाने जनता का ये कहना है कि इस बार देंगे वोट की चोट रोशन लाल वर्मा। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.